हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनौजिया मैम तो स्टूडेंट्स आज की जो हमारी वीडियो है वो है टॉपिक स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर इससे प्रीवियस पार्ट थ्री वीडियोस में हमने जो तीन मेथड और हैं मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन के रेंज इंटर क्वार्टल रेंज और मीन डेविएशन फ्रॉम मीन और मीडियन पढ़ा उनके कॉफिशेंट पढ़े तो आई होप स्टूडेंट आपको जो तीनों वीडियो है उसमें से उसके टॉपिक्स समझ में आए होंगे <coughs> आगे की जो हमारी फोर्थ मेथड है वो है स्टैंडर्ड तो अब देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड वाइडली यूज मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा यूज करने वाला मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन है इट वाज फर्स्ट यूज्ड बाय कारपियरसन इन एटीन नाइन्टी थ्री स्टेंडर्ड डेविएशन इज ऑल्सो कार्ड एज रूट मीन स्केयर डेविएशन रूट मीन स्केयर डेवियशन बोलते हैं इसको क्योंकि ये जो मीन का स्क्यर रूट होती है उसका मीन uh, का रूट होता है उसका स्क्यर होता है स्टैंडर्डिएशन इज डिफाइंड एट द स्क्र रूट ऑफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ द स्क्यर्स ऑफ द डेविएशन ऑफ द वैल्यू टेकन फ्रॉम द मीन यानी जो मीन uh, से जो माइनस करके हमने जो वैल्यू निकाली है उसका स्क्यर है और उसका मीन है और डिवाइडेड बाय मतलब कि अंडर अंडर द रूट है डर्ड एविएशन इज डिनोटेड बाय द स्मॉल ग्रीक लैटर सिगमा एंड इज कम्प्यूटेड एज फॉलोज तो स्टैंडर्ड एविएशन इज इक्वल टू समेन अंडर द रूट समेन ऑफ एक्स माइनस मीन की स्क्र ठीक है अपॉन में एन और बोल सकते हैं इसको अंडर द रूट समेशन ऑफ एक्सर अपॉन में एन वेयर जो एक्स है वो होगा एक्स जो आइटम्स है उसमें से मीन को माइनस करेंगे तो हमारा एक्स निकलेगा और जो सिग्मा है वो है स्टैंडर्ड डेविएशन ठीक है

अब डिफरेंस बिटवीन मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन अब इससे पिछली वीडियो में हमने मीन डेविएशन किया ठीक है अब हम करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन तो मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन में डिफरेंस क्या है बोथ दिस मेथड्स ऑफ डिस्पोजल आर बेस्ड ऑन ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द सीरीज सीरीज के हर आइटम के ऊपर बेस है बट दे डिफर इन द फॉलोइंग आस्पेक्ट लेकिन डिफर देखो कौन कौन से आस्पेक्ट पर होते हैं एल्जैब्रिकिएशन प्लस माइनस आर इग्नोर्ड बाई कैल्कुलटिंग मीन डाइवेशन देखो मीन डावेशन जब हमने कैलकुलेट किया था ना तो उसमें प्लस माइनस को इग्नोर किया था हमने एल्जैब्रिक वो है साइंस वियर आरज इन कैलकुलेशन ऑफ देशन आर नॉट इग्नोर्ड दे आर टेकन इन टू अकाउंट यानी मेन डिफ्रेंस क्या हो गया उसके अंदर प्लस माइनस को आप इग्नोर कर देते हैं इसमें प्लस माइनस को इग्नोर नहीं करेंगे लेके चलेंगे साथ में ठीक है दूसरा मेन डाविएशन कैन बी कंप्यूटेड आइदर फ्रॉम मीन मीडियन और मोड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑन अदर हैंड इज ऑलवेज कंप्यूटेड फ्रॉम द मीन बिकॉज द सम ऑफ़ द ऑफ द डेविएशन टेकन फ्रॉम द मीन इज मिनिमम ठीक है उसमें हमने <coughs> जो मीन डेविएशन था वो हम मीन से मोड से और मीडियन uh, कोई भी एवरेज जो भी था उससे हम निकाल सकते थे लेकिन जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है वो सिर्फ हम मीन से ही निकालेंगे ठीक है क्योंकि जो स्केयर ऑफ द डेविएशन जो होता है ना जो मीन से लिया जाता है वो मिनिमम होता है इसलिए अब देखो कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इंडिविजुअल सीरीज में कैसे कैलकुलेट करेंगे आप स्टैंडर्ड ऑफ डेविएशन देखिए चलिए स्टूडेंट इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज स्टैंडर्ड डेविएशन कैन बी कंप्यूटेड बाय अपलाइंग एनी ऑफ द थ्री मैथड तीन मेथड लगा सकते हैं आप कोई सा मेथड लगा सकते हैं मान लो आपको क्वेश्चन में <coughs> सिर्फ ये देखा हो कि स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है ऐसे नहीं देखा कि कौन सा मेथड लगा करना है तो सिर्फ आप क्या करेंगे कोई सा मेथड जो आपको उससे सूटेबल लगे वो मेथड लगा के आप स्टैंडर्ड डेविएशन लगा सकते हो तो पहला मेथड है अपना एक्चुअल मीन मेथड यानी कि जो रियल में जो मीन आया है ना उसको यूज करके फिर एक्स की जो समेशन वैल्यू निकाल लें समेशन वैल्यू निकालेंगे <coughs>

स्टेप्स देखो स्टेप छोड़ो आप क्वेश्चन पे आते हैं कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा को इंडिविजुअल सीरीज दी हुई है सोलह बीस अट्ठारह उन्नीस बीस अट्ठाईस सत्रह बाईस बीस ठीक है लिख लिया हमने अब मीन निकालना है सबको ऐड कर लो एक्स को कितना है दो सो दो सो को कितनी है ये सीरीज टेन है टेन से डिवाइड कर लो ट्वेंटी क्या आ गया मीन आ गया तो सारी सीरीज में से ट्वेंटी माइनस कर लो देखो समय हमारा मीन आ गया ट्वेंटी ठीक है छोटा एक्स निकालना है एकस मींस एकस जो है छोटा जो सारी सीरीज इसमें से हम क्या माने माइनस करेंगे जो मीन है मीन है ट्वेंटी इनमें से ट्वेंटी माइनस कर लो इसमें ट्वेंटी माइनस कर लो ट्वेंटी माइनस कर लो ट्वेंटी माइनस कर लो ट्वेंटी माइनस कर लो सब में ट्वेंटी माइनस कर लोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास ठीक है <coughs> इनका स्क्यर कर लो अब एक्स का यानी ये छोटा एक्स है छोटे एक्स का स्क्र कर लो फोर फोर जा सिक्सटीन ऐसे ठीक है ये कर लिया इनका ऐड कर दो नाइन्टी एट आ गया नाइन्टी एट को डिवाइड कर दो एन से एन कितना है हमारा टेन तो नाइन पॉइंट एट है वो क्या आ गया हमारा स्टैंडर्ड स्टैंडर्डावेशन ठीक है सॉरी स्टैंडर्डावेशन नाइन पॉइंट एट का अंडर द रूट आ गया अंडर द रूट तो मैं भूल गई थी अंडर द रूट भी था फार्मूला के अंदर ये आ गया हमारा अंडर द रूट नाइन्टी नाइन पॉइंट एट का अंडर रूट यानी थ्री पॉइंट वन थ्री ठीक है <coughs> आप कैलकुलेटर से नाइन पॉइंट एट का अंडर द रूट निकाल लेंगे थ्री पॉइंट वन थ्री ठीक है अब एक दूसरा फॉर्मूला है अज्यूम्ड मीन का जिसके अंदर हम मीन निकालेंगे जैसे इसमें अभी हमने मीन निकाला था 200 डिवाइडेड बाय 10 इज टू ट्वेंटी मीन निकल गया था इसमें एक मीन हम मान के चलेंगे ये इसका मीन होगा वो उसे बोलते हैं अज्यूम्ड मीन तो अज्यूम्ड मीन में जो इसमें जो देखो

वही सेम क्वेश्चन है नहीं अलग है जिसमें हमने अज्यूम्ड मीन मान के चला है हमने निकाला नहीं है देखो मीन इसके अंदर हम मान के चल रहे हैं कि ये मीन है ठीक है तो अज्यूम्ड मीन का डी निकाल लेंगे आप डी होता है एक्स माइनस ए यानी कि इसमें से बीस माइनस कर दो इस माइनस बीस माइनस कर दो इसमें बीस माइनस कर दो, दो ये आ गया डी स्क्र क्या आ गया इसको दो बार तेरह को तेरह से मल्टीप्लाई कर दो थर्टीन की स्क्वेयर यह आ गया डी स्क्र का ये आ गया ठीक है डी डैश दी, वो मतलब समेन ऑफ डी आ गया माइनस टेन ठीक है फॉर्मूला पुट करो देखो फॉर्मूला क्या था अंडर द रूट डी वो समेन ऑफ डी स्क्र यानी सात सौ अठहत्तर डिवाइडेड बाई एन एन कितना है टेन ठीक है ये आ गया माइनस में क्या है समेशन ऑफ डी कितना है माइनस टेन अपॉन में एन है टेन और इनका स्क्र ठीक है तो माइनस वन का स्क्वेयर कितना हो गया वन ही हो गया तो इसको सेवन सेवन पॉइंट एट माइनस वन कितना सेवनटी सिक्स पॉइंट एट का अंडर द ये आ गया एट पॉइंट सेवन सिक्स ठीक है ठीक है आगे देखिए मेथड बेस्ड ऑन यूज ऑफ एक्चुअल डाटा एक्चुअल डाटा को यूज करके अपने को क्या निकालना, निकालना है देखो वेन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आर फ्यू यानी कि जो आइटम्स हैं बहुत सारे बहुत कम है यूजिंग द एक्चुअल डाटा एक्चुअल डाटा को यूज़ करके सिंपल अपन वो निकाल लेंगे मैथड क्या होगा इसका डेविएशन इज इक्वल टू टूश एक्स का स्क्वायर कर लेंगे समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन मे एन और मतलब कि अपन इधर कोई मीन मीन नहीं निकालना है यहाँ पे सिर्फ एक्स जो अपने को वैल्यू दे रखी है क्योंकि डाटा क्योंकि छोटे से ऑब्जर्वेशन है थोड़े से ऑब्जर्वेशन दे रखी है लिस्ट तो उसी को हमने एक्स स्क्र करके निकाल लेंगे समेशन कर लेंगे उसका एन से डिवाइड कर देंगे यहाँ पे समेशन ऑफ एक्स को एन से डिवाइड करके यानी मीन निकाल के उसको स्क्यर कर देंगे और अंडर द स्कोर कर देंगे ठीक है <coughs> ये देखो ये अपने को क्वेश्चन दे रखा है कैलकुलेट स्टैंडर्ड कैलकुलेटेशन फ्रॉम द फॉलोइंग सीरीज तो एक और, एक और जो क्या कहते हैं अपना मेथड हो गया एक्स लिख लिया सिंपल एक्स लिख लिया समेशन ऑफ एक्स कर लिया दो सौ आ गया ठीक है और एन हो गया अपना टेन ठीक है एक्स का स्क्वायर कर लिया सिक्सटीन को सिक्सटीन से मल्टीप्लाई करके ये आ गया इनका ऐड कर लिया ठीक है फॉर्मूला में पुट कर दिया इनको देखो कैसे करा फॉर्मूला में पुट एक्स स्क्वायर क्या है ये ठीक है एन क्या है टेन तो आ गया फोर पॉइंट जीरो नाइन पॉइंट एट ठीक है और माइनस ये हो गया हमारा मीन यानी कि 200 सौ बाय टेन दो सौ बाई टेन हो गया ट्वेंटी ट्वेंटी को वो हो गया चार सौ ठीक है ट्वेंटी को टू से ट्वेंटी को ट्वेंटी से मल्टीप्लाई किया गया चार सौ तो आंसर आ गया नाइन पॉइंट एट का अंडर द स्क्र और नाइन थ्री पॉइंट वन थ्री आंसर आ गया हमारा ठीक है आ गया समझ में और वही फॉर्मूला जैसे यही सेम फॉर्मूला लगा हुआ है सेम फॉर्मूला क्या है देखो यहाँ पर इधर इस इसकी जगह पर क्या समेशन ऑफ में एन और किसका फॉर्मूला है ये ये मीन का फॉर्मूला है तो मीन लगा दो बात तो एक ही सेम चीजें सारा सेम निकल जाएगा ठीक है <स्थ> इंडिविजुअल सीरीज में हमने निकाल लिया तीन मेथड कौन कौन से मेथड थे सिंपल जो मीन के मेथड से अजून मीन एक्चुअल मीन मेथड से अजून मीन मेथड से और एक एक्चुअल डाटा मेथड से ठीक है एक्चुअल डाटा से यानी कि मेथड बेस्ड ऑन यूज़ ऑफ एक्चुअल डाटा ठीक है तीन मेथड लगा दिए हमने आगे है डिस्क्रीट सीरीज फॉर कैलकुलेटिंग स्टैंडर्ड डेविएशन इन डिस्क्रीट सीरीज फॉलोइंग थ्री मेथड्स में भी यूज एक्चुअल मीन मेथड जूम मीन मेथड और शॉर्टकट मेथड बोलते हैं इसको और स्टेप डेविएशन मेथड यानी कि इसमें एक मेथड थर्ड मेथड जो है वो अलग हो गया जो फर्स्ट मेथड एक्चुअल मीन मेथड उसके अंदर भी था जो जूम मीन मेथड उसके अंदर भी था इंडिविजुअल सीरीज में बस जब डिस्क्रीट सीरीज में एक स्टेप डेविएशन मेथड अलग आ गया ठीक है अब देखो इसके अंदर एक्चुअल मीन मेथड में देखो फॉर्मूला क्या हो गया समेशन ऑफ अंडर द रूट समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्र अपॉन में एन जिसमें एन जो होगा वो क्या होगा समेशन ऑफ एफ एफ होगा ठीक है तो और अज्यून मीन में क्या होगा सम अंडर द समेशन ऑफ एफ डी स्क्र अपॉन में एन माइनस में एफ डी समेशन ऑफ एफ डी अपॉन में एन का स्क्र ठीक है डी का होगा जहाँ पे एज्यूमिन में से आइटम में से माइनस कर देंगे तो डी हो जाएगा ठीक है तो अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं कैलकुलेट <coughs> स्टैंडर्ड डेविएशन स्टैंडर्डिशन द डेटा गिवन डाटा देखा अपने को एक्स है थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन और फ्रिक्वेंसी हो गई सात आठ दस बारह चार तीन दो एन हो गया का टोटल जो कि समेशन ऑफ एफ होता है फ्रिक्वेंसी वाली जो डिस्क्रीट सीरीज के अंदर जो एन होता है वो फ्रिक्वेंसी समेशन ऑफ़ एफ होता है तो फोर्टी सिक्स आ गया हमारा आ, ए हमने मान लिया कि अज्यूम्ड मीन है हमारा सिक्स तो ए एक्स में से ए माइनस करते जाएंगे यानी तीन माइनस छः चार माइनस छ ऐसे करके ये हमारी आ गया ये हमारा डी आ गया थ्री माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन जीरो प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री ठीक है <Auf losharma> <coughs> <conference> इस d को f से मल्टीप्लाई कर लिया इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया ठीक है तो ये आ गया हमारा ठीक है समेशन ऑफ d आ गया ये ठीक है आगे एफ डी स्क्वेयर यानी इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया एफ डी स्क्र है ये एफ डी को d से मल्टीप्लाई कर दिया तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो ठीक है ये आ जाएगा एफ़ देखो ये एफ डी स्केयर है ना कि एफ डी होल स्केयर ठीक है यानी इसका स्केयर नहीं है ये एफ एफ डी मल्टीप्लाई बाय डी यानी एफ डी स्केयर है ये तो एफ डी और डी का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा इसका समेशन ये आ जाएगा ये आ जाएगा ठीक है अब फॉर्मलाम पुट कर दो एक मिनट इरेजर सर है देखो ये हमारा फॉर्मूला है समेशन ऑफ एफ डी स्क्र यानी ये वन थर्टी नाइन वन थर्टी नाइन ठीक है वन थर्टी नाइन ये आ गया एन कितना है फोर्टी सिक्स आ गया ठीक है माइनस में एफ डी समेशन ऑफ एफ डी इकतीस है माइनस इकतीस माइनस इकतीस लिख दिया अपॉन में एन कितना है फोर्टी सिक्स लिख दिया ठीक है इसका होल स्क्र ठीक है इसको सॉर्ट आउट करके ये आंसर आया इसको सॉर्ट आउट करके ये आंसर आया ठीक है माइनस करके आया 2.5676 और इसको अंडर द रूट किया तो 1.602 ये हमारा आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन ठीक है आगेस्ट आगे है देखो दो मेथड कर लिए हमने अजूम मीन मेथड और एक्चुअल मीन मेथड अब है स्टेप डेविएशन मेथड <coughs> स्टेप डेविएशन मेथड में क्या होता है दिस मैथड इज यूज टू सिंप्लीफाई कैलकुलेशन अंडर एट वी डिवाइडन टेकन फ्राम अज्यूम मीन डिवाइड कर लेते हैं हम जो जो अज्यूम मीन से अपने वो निकाला है ना डी निकाला है ना तो डी का डी डैश भी निकाल लेंगे डी डैश को हम क्या करेंगे आई से डिवाइड कर लेंगे कॉमन फैक्टर से जो क्लास इंटरवल के अंदर जो कॉमन फैक्टर दे रखा है उससे हम उसको क्या करेंगे डिवाइड करने हैं द रिमेनिंग प्रोसेस रिमेन एज सच मैंशन इन द जूम मिन मेथड द फॉलोइंग फॉर्मूलाज फॉर कैलकुलेटिंग स्टैंडर्ड इज स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ डी डैश स्क्वायर अपॉन में एन माइनस में समेशन ऑफ एफ डी अपॉन में एन का स्क्वायर इनटू में आई जो डी डैश होगा वो क्या होगा एक्स माइनस ए यानी एक्स माइनस ए क्या होता है डी यानी डेविएशन जो होते हैं एक्स माइनस ए क्या होता है डी डी को जब आप आई से जो कॉमन फैक्टर है उससे डिवाइड कर देंगे तो डी डैश बन जाएगा ठीक है हेल्प डेविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा डाटा दरखा एक्स लिख लिया हमने एफ लिख लिया जूम डून मान लिया ए चालीस है ठीक है तो डेविएशन निकाल ली डी का डी एक्स माइनस फोर्टी एक्स माइनस फोर्टी यानी टेन माइनस फोर्टी ट्वेंटी माइनस फोर्टी थर्टी माइनस फोर्टी करके निकाल लिया हमने डी की वैल्यू डी डैश निकाल ली जो हमारा कॉमन है एक्स के अंदर कॉमन देखो फैक्टर क्या है टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फिफ्टी सिक्सटी दस का है कॉमन फैक्टर दस से डिवाइड कर लिया डी डैश निकल गया हमारा माइनस तीन माइनस दो माइनस एक जीरो प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री अगया? अब क्या करना है हमें एफ डी डैश निकालना यानी डी डैश को एफ से मल्टीप्लाई कर देना है ये डी डैश को एफ से मल्टीप्लाई कर देना है इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है तो ये आ गया हमारा माइनस नाइन माइनस टेन ये आ जाएगा सॉरी आगे है एफ डी डैश क्र यानी इसको डी डैश से मल्टीप्लाई कर देना उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना थ्री नाइन जा ट्वेंटी सेवन माइनस माइनस प्लस हो गया ठीक है ये आ गया इनका इनका ऐड कर देना है यहाँ पे और इसको ऐड कर लेना है और इसको ऐड कर लेना है और फॉर्मूला में पुट कर देना है देखो एफ डी डैश स्केयर यानी ये एक सौ नौ में फोर्टी एक सौ नौ में फोर्टी ठीक है माइनस में एफ समेशन ऑफ एफ डी डैश प्लस वन अपन में एन फोर्टी ठीक है टू में इसका स्केयर टू में टेन ठीक है ये यहाँ सॉर्ट आउट करके गया यहाँ सॉर्ट आउट करके गया टू में टेन आ गया इसको सॉर्ट आउट करके ये आया और टेन से मल्टीप्लाई किया तो सिक्सटीन पॉइंट फाइव आ गया ठीक है ये हमारे हो गए देखो हमने फर्स्ट इंडिविजुअल सीरीज़ में तीन मेथड पढ़े एक्चुअल मीन मेथड, अज्यूम मीन मेथड और तीसरा था एक्चुअल जो डाटा रखा है वो वाला मेथड ठीक है एक्चुअल डाटा मेथड अगे है अगर हमने डिस्क्रीट सीरीज पढ़ी उसमें तीन मेथड करे एक्चुअल मीन अज्यूम मीन मेथड और स्टेप स्टेपटाइशन मेथड अब हम कर रहे हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज <coughs> इन कॉन्टीन्यूस सीरीज वी कैन यूज एनी ऑफ थ्री मैथड डिस्कड अबाउ फॉर डिस्क्रिक्टीरीज बिकॉज द क्लासेज आर रिप्रेजेंट बाई देयर मिड वैल्यू हाउर इन प्रैक्टिस इट इज द स्टेप डावेशन मैथड विच इज मोस्टली कॉमन यूज मोस्ट कॉमनली यूज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग डवेशन इज तो कॉन्टिन्यूस सीरीज में मोस्ट ऑफ आप स्टेप डवेशन मैथड यूज करते हैं वैसे तो आप दोनों जो ऊपर मैथड कर रहे हैं ना मीन और एक्चुअल एक्चुअल मीन और एजूम मीन वाला वो भी यूज कर सकते हैं लेकिन ज्यादा से ज़्यादा कॉन्टिन्यूअस सीरीज के अंदर हम स्टेप डोमेशन मेथड यूज करते हैं फॉर्मूला <coughs> क्या होगा वही सेम फॉर्मूला होगा एफ समेशन ऑफ अंडर द समेशन ऑफ एफ डी डैश अपॉन में एन माइनस समेशन ऑफ एफ डी डैश अपॉन में एन की होल स्क्र इन टू में आई लेकिन इसमें जो डी डैश होगा ना वो क्या होगा पहले जो डी होगा वो होगा एम माइनस ए क्योंकि इसमें मिड वैल्यू पहले ले लेते हैं एक्स की जगह जो होता है मिड वैल्यू निकाल लेते हैं इसमें एक्स होता था पहले ठीक है और फिर जो एम एम माइनस ए जो डी की वैल्यू आएगी डी डैश की वैल्यू क्या आएगी उस डी वैल्यू से डिवाइडेड बाय आई कर देंगे कॉमन मैन फैक्टर की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी हमारी डी डैश ठीक है फॉर्म एक क्वेश्चन कर लेते हैं कैलकुलेट मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम फॉलोइंग डाटा मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है इस डाटा से तो अपने को सबसे पहले मार्क्स दे रखे हैं टेन से ट्वेंटी ट्वेंटी से टेन जो है टेन टेन से ट्वेंटी थर्टी जो भी ऐसे करके आपको एक इक्वल क्लास दे रखी फिर कंसिडर की उसकी पाँच दस बीस चालीस तीस बीस दस चार मिड वैल्यू निकाल लोगे आप निकाल लोगे जीरो प्लस में टेन में टू टेन प्लस में ट्वेंटी में टू मिड वैल्यू आ गई डी निकालोगे मिड वैल्यू में से आप क्या माइनस करेंगे जो मीन है अज्यूम्ड मीन है जो अजूमिन है अजूम मिन हमने थर्टी फाइव को माना था तो एम माइनस थर्टी फाइव यानी पाँच माइनस थर्टी फाइव फिफ्टीन माइनस थर्टी फाइव ट्वेंटी फाइव माइनस थर्टी फाइव थर्टी फाइव माइनस थर्टी फाइव फोर्टी फाइव माइनस थर्टी फाइव ठीक है तो हमारे पास गया। आ गया थर्टी ट्वेंटी माइनस थर्टी माइनस ट्वेंटी माइनस टेन जीरो टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी ठीक है ये आ गया डी आ गया डी डैश क्या था उसको इक्वल जो आई है इक्वल इंटरवल से उसको डिवाइड कर देंगे तो कितना डिफरेंस है पाँच पंद्रह पच्चीस में टेन है टेन का तो so, टेन से डिवाइड कर देंगे माइनस तीन माइनस दो माइनस एक जीरो प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर ठीक है ये आ जाएगा एफ़ डी डैश क्या होगा डी डैश को आप एफ़ से मल्टीप्लाई कर देंगे एफ हमारा पाँच और डी डैश हमारा माइनस तीन तो पंद्रह आ गया एफ हमारा टेन तो डी डैश हमारा माइनस टू तो हमारा आंसर आ गया माइनस ट्वेंटी ठीक है एफ डी डैश स्केयर यानी कि एफ डी डैश को और डी डैश को मल्टीप्लाई कर दोगे जो लास्ट के सेकंड और थर्ड कॉलर लास्ट से जो सेकंड और थर्ड कॉलम है उसको हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस तीन और माइनस पंद्रह पैंतालीस आ गया पॉजिटिव का ठीक है और नीचे इनका समेशन कर देंगे समेशन ऑफ एफ डी डैश और समेशन ऑफ एफ डी डैश स्केयर्स और 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 एन निकाल लेंगे समेशन ऑफ एफ से फॉर्मूला में पुट कर देंगे <coughs> पहले सबसे पहले मीन निकालना है मीन का फॉर्मूला क्या होता है इंटरवल क्लास के अंदर अज्यूम आज, मीन प्लस में समेशन ऑफ एफ अपॉन में एन में आई तो अजून मीन बना समेशन ऑफ एफ डी डैश कितना है सिक्सटी वन अपॉन में एन कितना है हमारा वन थर्टी नाइन इंटू में क्लास इंटरवल जो इक्वल है वो टेन है तो हमारा थर्टी फाइव प्लस में फोर पॉइंट थ्री एट इज इक्वल टू थर्टी नाइन पॉइंट थ्री एट हमारा मीन आ गया मीन के बाद हमें श्रे, निकालना है स्टेंडर डाइवेशन का फॉर्मूला होगा वही वही अंडर द समेशन ऑफ एफ डी एफ डी डैश स्क्स अपॉन में एम माइनस में समेशन ऑफ एफ डी एफ डी अपॉन डैश अपॉन में एन का होल स्क्वायर Então me aí तो एफ डी डैश स्क्र की वैल्यू है थ्री सिक्सटी नाइन ऊपर देखो थ्री सिक्सटी नाइन में एन की वैल्यू है वन थर्टी नाइन देखो ऊपर लिख रखिए समेशन करके माइनस में है एफ डी डैश की है समेशन ऑफ़ एफ डी डैश की वैल्यू है सिक्सटी वन में उसकी वही वन थर्टी नाइन उसका होल स्क्वायर माइन टू में टेन इसको सोर्ट आउट करके हमारे पास आ गया वन पॉइंट फाइव सिक्स नाइन और टेन से मल्टीप्लाई करेंगे इसको आ गया फिफ्टीन पॉइंट सिक्स नाइन ये हमारा आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन ठीक है स्टूडेंट्स तो स्टूडेंट ये हमारी वीडियो थी स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर अब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने में हमने तीनों सीरीज के जो तीनों मेथड हैं वो हमने यहाँ पर करे विद विदिस्टेशन देखिए क्या क्या किया हमने इसके अंदर डेविएशन होता क्या है उसका फार्मूला क्या होता है कॉफिशेंट ऑफ डेविएशन क्या होता है उसका फार्मूला क्या होता है ठीक है डिफरेंस किया हमने मीन डाइवेशन और डेविएशन के अंदर ठीक है कैलकुलेशन करी डेविएशन के इंडिविजुअल सीरीज में तीनों मैथड से करी है एक्चुअल मीन मैथड से भी करी है और एग्ज़ाम्पल के साथ फिर अज्यूम मीन मैथड से करी है एग्ज़ाम्पल के साथ दैन फिर मैथड बेस्ड ऑन यूज ऑफ एक्चुअल डाटा के थ्रू करी है हमने फिर उसके बाद हमने डिस्क्रीट सीरीज़ में तीनों मैथड अप्लाई किए हैं एक्चुअल मीन मैथड अज्यूम मीन मैथड इसको शॉर्टकट मैथड भी बोलते हैं और स्टेप डाइवेशन मैथड भी अप्लाई किया है हमने और इनके साथ साथ हर एक का हमने न्यूमेरिकल मैथड किया है न्यूमेरिकल क्वेश्चन किया है और फिर लास्ट में कॉन्टिन्यूस सीरीज़ है जिसमें मोस्ट ऑफ स्टेप डाइवेशन मैथड हमने यूज़ किया यूज़ करते हैं तो हम स्टेशन मेथड से कॉन्टिन्यूस का भी एक क्वेश्चन कर लिया तो आई होप स्टूडेंट आपको आज की वीडियो है जो स्टैंडर्ड डबेशन की वो समझ में आई होगी आपका टॉपिक क्लियर हुआ होगा अगर आपको स्टूडेंट्स वीडियो अच्छी लगी हो आपका टॉपिक क्लियर हुआ हो तो ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंट्स कीजिए और ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कॉमर्स विद करोजिया मैम थैंक यू स्टूडेंट्स